तृणमूल कांग्रेस के सांसद नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से तलब किया है। ईडी ने उनसे मंगलवार को अपने कोलकाता स्थित दफ्तर में नुसरत जहां से पूछताछ शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर शहर के न्यूटाउन में फ्लैट देने का वादा कर वरिष्ठ नागरिकों से ठगी करने का आरोप लगा है। इससे पहले 5 सितम्बर को भी नुसरत जहां के इसी मामले में ईडी के सामने पेश हुई थी। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजारहाट न्यूटाउन में एक फ्लैट की बिक्री के संबंध में तलब किया है। अभिनेत्री सांसद ईडी के अनुरोध पर सीजीओ परिसर में पेश हुई हैं। सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर 23 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। जब धोखाधड़ी हुई उस दौरान नुसरत जहां कंपनी के निदेशक थीं। उन्होंने कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगी। नुसरत जहां कुछ समय पहले ईडी कार्यालय में पेश हुई थीं। जब वह ईडी कार्यालय में घुसी तो उनके पास बड़ी संख्या में दस्तावेज थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनसे कई दस्तावेज मांगे हैं। उधर एक्ट्रेस और तृणमूल सांसद नुसरत जहां को कोर्ट में अस्थायी राहत मिल गई है। सेवन सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की आरोपी कंपनी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई सोमवार को अलीपुर कोर्ट में हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से तलब किया है। ईडी ने उनसे मंगलवार को अपने कोलकाता स्थित दफ्तर में नुसरत जहां से पूछताछ शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर शहर के न्यूटाउन में फ्लैट देने का वादा कर वरिष्ठ नागरिकों से ठगी करने का आरोप लगा है। इससे पहले 5 सितम्बर को भी नुसरत जहां के इसी मामले में ईडी के सामने पेश हुई थी। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजारहाट न्यूटाउन में एक फ्लैट की बिक्री के संबंध में तलब किया है। अभिनेत्री सांसद ईडी के अनुरोध पर सीजीओ परिसर में पेश हुई हैं। सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर 23 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। जब धोखाधड़ी हुई उस दौरान नुसरत जहां कंपनी के निदेशक थीं। उन्होंने कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगी। नुसरत जहां कुछ समय पहले ईडी कार्यालय में पेश हुई थीं। जब वह ईडी कार्यालय में घुसी तो उनके पास बड़ी संख्या में दस्तावेज थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनसे कई दस्तावेज मांगे हैं। उधर एक्ट्रेस और तृणमूल सांसद नुसरत जहां को कोर्ट में अस्थायी राहत मिल गई है। सेवन सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की आरोपी कंपनी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई सोमवार को अलीपुर कोर्ट में हुई। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now